अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारे पास वही टॉपिक 3.0 का नेक्स्ट सब टॉपिक है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो ये जैसे इसमें मोमेंटम आया हुआ है, मोमेंटम का हमने पढ़ना है, मोमेंटम हमारे पास कैसे कंजर्व रहता है किसी भी सिस्टम का। मोमेंटम हमने पढ़ा, मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम हमारे पास इसकी जब हमने डेफिनेशन देखी थी वो होती है क्वांटिटी ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की में जो हरकत की मकदार होती है, जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है, उसको हम नाम दिया था, मोमेंटम का नाम दिया था। और वो हमने देखा था, वो उसका जब फार्मूला देखा था वो हमने देखा था, वो होता है पी इज इक्वल टू एम वे। यानी वो जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है ऑब्जेक्ट, वो किस वजह से गेन करता है, मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब से क्या करता है, वो मोमेंटम गेन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आज हमने देखना है भी मोमेंटम कंजर्व कैसे होता है। ठीक है, तो कंजर्व का मतलब क्या है, मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं या फिर कोई भी एक सिस्टम ले लेते हैं, तो हम कहते हैं भी उसका हम एक इनिशियल मोमेंटम देखते हैं, और फिर इनिशियल मोमेंटम के बाद हम उसका कोई इम्पैक्ट देखते हैं, उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है उसके नतीजे में, या फिर आप ये कह लें एक कार है उसका हमने इनिशियल मोमेंटम देखा, इनिशियल तौर पर जब वो कार थी उसका मोमेंटम कुछ और था, जब वो रेस्ट के हालत में थी फिर वो मूव करते हैं मोशन, मूव के बाद वो एक नई जगह पर चल जाता है कुछ टाइम टी के बाद, और कुछ वो डिस्टेंस कवर करती है, तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, उसका फाइनल मोमेंटम आ जाता है। लेकिन वगैरह दोनों कंडीशन में उसका जो मोमेंटम रहता है वो कंजर्व ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। ठीक है ना, तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम की बात करते हैं, यानी जब भी कंजर्वेशन मोमेंटम को हम पढ़ेंगे उसके लिए हम क्या लेंगे, कोई ना कोई सिस्टम लेते हैं। तो सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद सर्टेन बाउंड्रीज। यानी हमारे पास सिस्टम क्या होता है, एक बॉडीज क्या होता है, बॉडीज़ के ग्रुप होता है, और कुछ ना कुछ हम सर्टेन बाउंड्री ले लेते हैं। यानी फर्ज कर लें ये मैंने क्या ले लिया, इस तरीके से मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ये मेरे पास कोई एक ब्लॉक ले लें, या मैं इसे कह देता हूँ एक रूम है, और रूम के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, ये मुख्तलिफ बॉडीज़ रखी हुई है। ठीक है ना, और ये बॉडीज़ क्या, इंटरैक्टिंग, इंटरैक्टिंग मतलब ये बॉडीज़ एक दूसरे के साथ क्या कर सकती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, तो ये सारे एक सारा मिलकर हमारे पास क्या बनाता है, एक सिस्टम कहलाता है ये सारे का सारा। ठीक है ना, अगर हम मैं क्लासरूम की बात करता हूँ तो क्लासरूम के अंदर क्या होता है, वो जो फर्नीचर है, वाइट बोर्ड है, वट एवर, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्लासरूम के अंदर, वो क्या है, उसके अंदर वो सारी सारी बॉडीज़ कहलाती हैं, और जो उसकी दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, वो क्या है, वो बाउंड्री है, वो सारे एक सारा मिलकर हमारे पास क्या बनाता है, एक सिस्टम बनाता है। ठीक है, ये आगे सिस्टम। लेकिन जब हमने कंजर्वेशन मोमेंटम की बात करते हैं तो इसके लिए हम जो सिस्टम लेते हैं वो हमारे पास होता है आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम हम यहाँ पे लेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। यानी जब आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, यानी इस तरह का तो हमारे पास इंटरैक्टिंग बॉडीज़ के पूरा पूरा एक सिस्टम है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर हम आइसोलेटेड सिस्टम में उन बॉडीज़ के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते। यानी जिस तरह हमने ये लिया ना एक सिस्टम ले लिया, फर्ज करें ये मैं एक और सिस्टम ले लेता हूँ ये वाला, जिसमें हमारे मुख्तलिफ बॉडी, तो इसमें आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते। यानी जो हम ये कह सकते हैं जो एफ एक्सटर्नल है, जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, और इसमें हमारे पास कोई भी लॉस नहीं होता। यानी हमारे पास कोई भी सिस्टम की जो एनर्जी है बॉडीज़ की, वो यानी किसी भी सूरत में वो लॉस नहीं होती। यानी वो हीट लॉस में, हमारा जो हीट लॉस वहाँ भी इस आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो उसमें जो हमारे पास एनर्जी का लॉस होता है वो भी नहीं होता। या फिर हमें पता है हर जगह पर क्या पाई जाती है, अगर यहाँ हम देखें तो हमारे पास हर जगह क्या पाई जाती है, एयर रेजिस्टेंस भी पाई जाती है। ठीक है ना, तो उसमें भी हमारे पास जो एनर्जी का लॉस होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। यानी आइसोलेट सिस्टम में हमारे पास जो एनर्जी लॉस होती है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, और इसमें हमारे पास जो एफ एक्सटर्नल होते हैं वो भी क्या होती है, ज़ीरो होता है। ये हमने देख लिया आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना, तो अब उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता गया है, ये लॉ कहते हैं द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन कॉन्स्टेंट। यानी वह कहता है भी अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंटरैक्टिंग बॉडीज हैं, उनका जो मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, द मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमें कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसी भी सिस्टम के अंदर जो बॉडीज हैं उनका जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आती। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे मुख्तलिफ एग्जांपल्स को लेके आगे डिस्कस करेंगे।
तो उन्हीं को देखते हैं। उसमें हम जो एग्जांपल लेते हैं, जो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वो हमने पहले भी देखी हुई है, वो हम देखते हैं बैलून वाली। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एयर फिल्ड बैलून। ये हमने लॉ ऑफ सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी हमने इसको डिस्कस किया था। बैलून वाली एग्जाम्पल हम यहाँ पे पहले लेते हैं। बैलून वाले लेते हैं यानी हमारे पास क्या है, एयर फील्ड बैलून है, यानी एक हमारे पास ये बैलून है, इस तरीके से हमने लिया हुआ, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है, यानी इसको हवा से हमने भरा हुआ फिल किया हुआ है, सारे सारा हवा से फिल किया हुआ है। तो अब हमने क्या, इसको ऐसे मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो मतलब क्या है, ये एक स्टेशनरी हालत में, कंडीशन फर्स्ट में हमने लिया, अब ये किस किस का, जब मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये स्टेशनरी कंडीशन में हमारे पास है। जब स्टेशनरी कंडीशन में है तो उस टाइम क्या होगी, जिसकी वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी, यानी इसका कोई ना कोई मैस होगा ना, ये बैलून का अपना भी मैस है और इसके अंदर जो हमने हवा भरी हुई है उस इन दोनों को कलेक्टिव हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई मैस होगा। लेकिन चूंकि क्या है, ये निश्चित तौर पर रेस्ट में पड़ा है, स्टेशनरी कंडीशन में है, तो उस टाइम क्या होगी, उसके मैं कहता हूँ वेलोसिटी जब जीरो है तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम है पी आई, वो भी हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको छोड़ूंगा, इसको फ्रीली मैं छोड़ूंगा, तो इससे इसके अंदर जितनी भी हवा है, एयर है, वो क्या करेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, एस्केप होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी जितने भी इसके अंदर एयर थी वो सारी की सारी क्या होगी, रश्ड आउट होगी आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, वो सारी की सारी बाहर की डायरेक्शन में क्या होगी, निकलना शुरू हो जाएगी। अब वो जो एयर है क्या होगी, वो किसी न किसी विलास्टी के साथ क्या करेगी, बाहर की जानब निकलेगी, किसी न किसी विलास्ट साथ निकलेगी। अब चूंकि ये जो एयर है वो क्या आ रही है, इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है, तो इस एक किस्म का ये हमारे पास क्या हो गया, एक्शन हो गया। इस एक्शन के रिएक्शन के तौर पर ये बैलून क्या करेगा, ये आगे की जानेब या अपवर्ड सॉरी इस एयर की अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। यानी यहाँ पे हम क्या, हमने यहाँ पे देखा ना, इनिशियल तौर पर तो मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, तो इसका मतलब ये है अभी इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो भी क्या होना चाहिए, हमारे पास जीरो होना चाहिए। तो फिर इसको कंजर्व करने के लिए, यहाँ पर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, ये जो बैलून है वो क्या करता है, एयर के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो फिर जब ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम का, ये जो बलून का जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो क्या है, बैलून और जो एयर है ये मिलकर हमारे पास क्या बना रही है, एक सिस्टम बना रहे हैं। तो ये अभी हमने देखा ना, अभी यहाँ पर भी हमारे पास मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है। तो मोमेंटम दरअसल क्या है, कैसे कंजर्व हो रहा है, एयर आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो इस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए फिर बैलून क्या करता है, आगे की जाने मूव करेगा। तो फिर इस कंडीशन में भी हमारे पास, अगर हम देखें इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है, तो फिर इस कंडीशन में हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम होगा वो भी हमारे पास क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। ये हमने देख लिया एक बैलून वाली एग्जाम्पल। उसके बाद हम यहाँ पे एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी इसके अंदर हम डेरिवेशन भी करेंगे, टू इंटरेक्टिंग बॉल्स की हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, टू इंटरेक्टिंग बॉल्स, ठीक है। अब इसकी हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें हम कैसे, यहाँ पे आप हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारे पास क्या है, जस्ट टू बॉल्स हैं। मैं कहता हूँ एक मेरे पास ये बॉल है जिसका मास मैंने क्या दिया, एम वन है, और एक सेकेंड वन है जिसका मास एम वन से क्या है, ग्रेटर है, और ये दो हमारे पास बॉल्स हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूँ हम ये वेलोसिटी यू वन से क्या कर रही है, मूव कर रही है, और ये जो सेकंड बॉल है जिसका मास एम टू है, ये क्या कर रही है, यू टू से क्या कर रही है, मूव कर रही है, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं दोनों बॉल्स। और यहाँ पे ये याद रखना है, अभी यू वन यानी बॉल वन की जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन है यू टू, ठीक है ना। यानी ऐसे जा रही थी, यू वन के एक तो क्या है, इसका मैस भी कम है, और लेकिन इसकी जो विलास्टी है वो क्या है, ज़्यादा है, और एम टू का मैस ज़्यादा है और उसकी विलास्टी क्या है, कम। यानी इसकी यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसा ले लें, ये हमारे पास एक कार है और ये हमारे पास क्या है, एक ट्रक की एग्जाम्पल, इस तरीके से आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये ऐसे जा रहे थे, अब देखें इसका क्या है, मैस एम वन है और इसकी विलास्टी क्या है, यू वन है, तो इसका हमारे पास मोमेंटम क्या बनेगा, एम वन यू वन, और ये हमारे पास क्या है, बाल क्या है, इसका मैस एम टू और इसकी वेलोसिटी क्या है, यू टू, तो इसका मोमेंटम हमारे पास क्या बनेगा, एम टू यू टू। तो अगर पूरे सिस्टम की कलेक्टिव हम मोमेंटम की बात करें तो हम यहाँ पे कहते हैं जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का, उसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी आई, वो हमारे पास क्या होगा, इसका मोमेंटम एम वन यू वन प्लस ये जो सेकेंड बाल है इसका मोमेंटम ये क्या हो जाएगा, एम टू यू टू। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकला है एम वन यू वन प्लस आ गया एम टू यू टू। अब मैं कहता हूँ भी कुछ टाइम टी के बाद, यानी कुछ टाइम गुजरने के बाद ये क्या करिए, ये दोनों ऐसे जा रही थी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, इसकी वेलोसिटी क्या करिए, यू टू की वेलोसिटी कम है, तो ये जैसे जैसे टाइम गुजरेगा यू वन क्या करेगी, यू टू को अप्रोच करेगी,
और जैसी क्या करती है, उसको अप्रोच करती है, तो ये कुछ टाइम के बाद ये दोनों बाल्स क्या हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, इनकी कोलिजन हो जाती है, यानी ये दोनों बाल्स क्या कर जाते हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाती हैं। अब ये एम और एम टू आपस में क्या होगी, कोलाइड। अब हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर, हमने पढ़ा है भी वहाँ पर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन को थोड़ा सा हमने उसको हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे दोबारा से। अब ये देखें, ये जब दोनों बाल्स एक साथ क्या कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, तो जैसे ही हमें पता है दो चीज़ें आपस में कोलाइड करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, टकराती हैं, तो उससे क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, कोई ना कोई फोर्सेज एग्जर्ट करती हैं। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे कोलाइड किए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये M1 क्या है, M2 के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं जिसको मैं कहता हूँ F1। अब ये क्या लें, ये कौन सी फोर्स होगी है, एक्शन की फोर्स। इस फोर्स के रिएक्शन के तौर पर ये जो बाल M2 है ये भी क्या करेगी, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी जिसका मैं क्या देता हूँ F2। और यहाँ पे हम क्या देते हैं भी, ये F1 इज इक्वल टू -F2। तो इसका मतलब क्या आएगा, अब ये दोनों फोर्सेस क्या है, सेम है, इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन क्या कर रहा है भी, वो एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट। यहाँ पे ये इस तरीके से क्या करते हैं, एक दूसरे साथ कोलाइड करते एक दूसरे के ऊपर जब फोर्सेस लगाती हैं। अब इन फोर्सेस के नतीजे में क्या होता है, ये वैसे ही मूव करती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जो M1 है इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, V1 हो गई है, और जो M2 है उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाती है, V2 आफ्टर कोलिजन। यानी ये हमारे पास क्या था, ये हम क्या देते हैं, ये हमारे पास है आफ्टर कोलिजन, उनकी वेलोसिटीज क्या हो गई है, U1 से चेंज होकर क्या हो गई, V1 हो गई है, और M2 की वेलोसिटी जो U2 थी अब चेंज होकर क्या हो गई है, V2 हो गई है। अब यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इनका मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैं कहता हूँ जो फाइनल मोमेंटम हमारे पास सिस्टम का है वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा M1 V1 प्लस क्या हो जाएगा, M2 V2। ये हमने क्या निकाला था, इसे क्या इक्वेशन नंबर 1, ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। यानी ये हमने निकाला था इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, और ये क्या निकाला हमने, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम यहाँ पर फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लॉ को इंप्लीमेंट करवाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ वो कहता है टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वुड बी ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यानी इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल वाले हमारे पास क्या था, M1 U1 प्लस M2 U2, और ये हमारे पास क्या है, M1 V1 प्लस M2 V2। यानी यहाँ देखें हमारे पास जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। और ये हमारे पास इसी इक्वेशन यही बता रही है, एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कोलिजन के बाद भी और कोलिजन के पहले जो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। इसका मतलब ये देखें भी इनकी वैल्यूज क्या रहेंगे, सेम होगी, यानी मैसेज तो हमें पता चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी, यहाँ पे जैसे हमने एक किस्म का उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक दूसरे से U1 की जगह हमने क्या लिखा है, V1 लिखा, और U2 की जगह फिर हमने क्या लिख दिया, V2। लेकिन एक्चुअल में उनका ये जो पूरे का पूरा ये वाली और ये वाले का जो रिजल्ट होता है वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के सेम रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आती। ठीक है ना, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हम अपनी रियल लाइफ के अंदर भी देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसकी एक दो एप्लीकेशन को यहाँ पर देखेंगे। तो इसकी जो पहली है एप्लीकेशन हम देखते हैं वो हमारे पास है बुलेट एंड द गन। तो बुलेट एंड द गन में भी हमारे पास जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसमें क्या होता है, हम ये देखते हैं हमारे पास क्या होता है, जिस तरह एक ये छोटी सी एक हम गन ले लेते हैं इस तरीके से, और ये कहता हूँ भाई ये हमारे पास गन है, और गन के अंदर हमने क्या डाली हुई, एक बुलेट को डाला हुआ। ठीक है, तो इनिशियल तौर पर मैं ये कहता हूँ ये जो गन है और ये जो बुलेट है ये दोनों हमारे पास क्या है, ये रेस्ट की कंडीशन में पड़े, यानी गन भी क्या है ऐसे पड़े, हमने इसको स्टेशन ऐसे रखा हुआ है गन को भी, और इसके अंदर जो बुलेट है वो दोनों क्या होंगी, स्टेशनरी कंडीशन में है। तो अब जो बुलेट है उसका भी क्या होगा, कोने की मैस होगा। ठीक है, और उसके और जो गन है इसका भी क्या होगा, हमारे पास कोने की मैस होगा। तो मैं कहता हूँ ये जो गन का मैस है इसको मैं डोनोट कर देता हूँ बड़े एम से। ठीक है, अब ये दोनों चूंकि क्या है, रेस्ट कंडीशन में पड़े हैं, तो जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी, और जो गन है उसकी वेलोसिटी भी हमारे पास क्या है, जीरो होगी। जब दोनों की वेलोसिटी हमारे पास जीरो है तो उसमें जो मोमेंटम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो अगर पूरे सिस्टम की बात करें, यानी गन और बुलेट क्या हमारे पास क्या है, पूरा एक हम सिस्टम इसको एज अ ले रहे हैं,
तो इससे क्या होगा, जब हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं यानी जो इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास पूरे सिस्टम का पी आई, वो क्या हो जाता है हमारे पास जीरो, यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, जीरो है। इसलिए है जीरो, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, किस कंडीशन में पड़े हैं, स्टेशनरी कंडीशन में पड़े हैं। अब हम क्या करते हैं, अब जैसे ही गन को क्या किया जाता है, फायर किया जाता है, इसके अंदर जो बुलेट होती है वो इसमें से क्या होती है, वो बाहर निकलती है, ये जो बुलेट है ठीक है ना, बाहर निकलेगी ये वाली बुलेट, और ये क्या करेगी, किसी ना किसी विलास्टी वी के साथ क्या करती है, मूव करती है ठीक है, किसी ना किसी विलास्टी वी के साथ मूव करती है, और इसका जो बुलेट का जो मैस है उसको हम डोट करते हैं स्मॉल एम से। अब ये देखें, ये हमें पता है जो बुलेट होती है वो बहुत स्पीड के साथ क्या करती है, आगे की जाने मूव करती है, और उसकी इलास्टिक होती है बहुत ज़्यादा होती है, और इस तरह वो टाइम के साथ साथ आगे की जाने क्या करती जाती है, मूव करती जाती है, उसका हमारे पास क्या होगा, कोने की मोमेंटम होगा। तो अब हमें पता है इनिशियल मोमेंटम तो क्या था, जीरो था, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा इलास्टिक के साथ मूव कर रही है, तो इस मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए हमारे पास जो गन है वो क्या करती है, रिकॉयल करती है। रिकॉयल का मतलब क्या है, वो गन लिटिल बिट यानी बुलेट तो ऐसे जा रही है, वो थोड़ा सा स्लाइटली बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है, और वो किसी ना किसी विलास्टी के साथ मूव करती है, उसका मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कैपिटल बी से ठीक है। यानी यहाँ पे इसका मकसद क्या है, भी ये रिक्वायर क्यों है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में स्लाइटली क्यों मूव हुई है, दरअसल वो इसलिए हुई है, अभी यहाँ पर जो मोमेंटम है हमारे पास सिस्टम का वो क्या रहे, कंजर्व रहे, क्योंकि हमने देखा है इनिशियल तौर पर तो मोमेंटम क्या था, जीरो था, इसी मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए क्या करते हैं, वो रिक्वायर। तो जब भी हम क्या करते हैं, गन को फायर किया जाता है जैसी, तो वो जो बुलेट होती है वो ऐसे क्या करती है, इस डायरेक्शन में मूव करती है, और जो हमारे पास गन होती है वो लिटिल बिट क्या करती है, रिकॉयल करती है, और वो थोड़ी सी बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। तो जब हम बात करते हैं फाइनल मोमेंटम की, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम लिख देते हैं। अब ये देखें, बुलेट का भी क्या है, मैस प्लस वेलोसिटी, इसका क्या होगा, मैस प्लस वेलोसिटी, और प्लस क्या है, गन का भी हमारे पास मैस है, और जिसकी वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल बी। इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए बुलेट को और गन को तो हम क्या कर देते हैं, इसके मैस को भी कैपिटल एम से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, और इसकी वेलोसिटी को भी हम कैपिटल वी से डिनोट कर दिया ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ हमने पढ़ा हुआ है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या है, पी आई तो हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, एम वी प्लस एम वी ठीक है, ये आ गया। अब इस इन दोनों में से किसी भी एक को उठा के इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो अगर इसमें से मैं क्या करता हूँ, एम वी को इधर रखता हूँ, और ये जब इक्वेशन के दूसरी साइड जाएगा, ये प्लस का साइन जब इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाता है इक्वलिटी का, उसका साइन क्या होगा, प्लस है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये हमारे पास हो जाता है एम वी। हमने क्या करना है, भी किस विलास्टी के साथ गन क्या करती है, रिक्वायल होती है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, हमने उस विलास्टी को निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास जो विलास्टी का रिलेशन निकलेगा वह क्या होगा, माइनस एम वी ओवर एम, ये हमारे पास क्या निकल आई है, विलास्टी ऑफ द गन, यानी ये हमारे पास किसकी विलास्टी निकल आई है, गन की विलास्टी निकली है, जिस विलास्टी के साथ वो क्या करती है, रिक्वायल करती है या बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करती है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पर ये है भी जस्ट क्या है, भी गन की विलास्टी और जो बुलेट की वेलोसिटी है वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, यानी देखें गन ऐसे जा रही है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, और गन क्या कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, ये है ठीक है ना। तो अब चूंकि हमें पता है गन का जो मास है वो क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन मैस ऑफ द बुलेट, यानी हमें पता है जो गन का मैस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा है, और जो बुलेट का मास होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, कुछ ग्राम्स में हमारे पास होता है ठीक है। तो इसलिए हमारे पास सिंस द मास ऑफ द गन इज मच लार्जर देन द बुलेट, देयरफॉर द रिक्वायर इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, जो कि इसका मास क्या है, बहुत ज़्यादा है गन का, इसलिए इसका रिक्वायर की जो वेलोसिटी है गन की वो क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। इस रिलेशन से भी हमें यहाँ से पता देख सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाए, बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो उससे हमारे पास जो पूरा रिजल्ट होता है क्या निकलता है, स्मॉलर निकलता है, इसलिए यहाँ से हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ द गन वो क्या है, बहुत स्मॉल है। इसके बाद जो दूसरी हम लेते हैं इसकी एप्लीकेशन वो है रॉकेट इंजन। रॉकेट इंजन में भी हम क्या किया जाता है, इसके इम्प्लीमेंटेशन को हम देख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, यानी हमें पता है ये फर्ज करें, ये हमने क्या ले लिया,
एक रॉकेट ले लिया, ठीक है ना। इसमें हमारे पास रॉकेट में क्या होता है भाई, हमने एक ऐसे मटेरियल को यूज़ किया जाता है जब जिसको बर्न किया जाता है, तो वो उससे बहुत तेज़ी के साथ जो गैसेस होती हैं वो रस्ट आउट होती हैं, और फिर उन गैसेस के नतीजे में ही, उन गैसेस के रिएक्शन के तौर पर ही हमारे पास जो इंजन होता है, रॉकेट इंजन होता है, वो क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। यानी हम कहते हैं भाई ये जिसके अंदर गैसेज हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ रस्ट आउट होते हैं, बहुत ज़्यादा इलास्टिक के साथ वो रस्ट आउट होती हैं इस डायरेक्शन के अंदर। उनकी इलास्टिक क्या होगी, ये होगी, और इसी इन्हीं गैसेस के रिएक्शन के तौर पर जो रॉकेट होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। यानी इसको भी हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखा था। अब हम देखते हैं निश्चित तौर पर जब ये क्या था, रेस्ट में पड़ा हुआ, ठीक है ना। जब रेस्ट में पड़ा हुआ है तो ये रॉकेट है उसका भी कोई ना कोई मैस होगा, और इसके अंदर जो हमने मटेरियल यूज़ किया, जो गैसेज है, उनका भी क्या होगा, कोई ना कोई मैस होगा। अब निश्चित तौर पर चूंकि क्या है, दोनों के दोनों क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, तो हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा वो क्या निकलेगा, जीरो होगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, रेस्ट में पड़े हैं। लेकिन जैसे ही इसको क्या किया जाता है, इग्निशन मिलती है, और ये जो गैसें हैं वो जब क्या होते हैं, जैसे बर्न आउट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जैसे बर्न होना स्टार्ट होती हैं, तो जो फिर उसमें जो फ्यूल हमने एक किस्म का भरा होता है वो क्या होता है, जो बर्निंग फ्यूल वो बहुत तेज़ी के साथ क्या होता है, रश आउट होता है, उसमें जो गैसें होते हैं बहुत तेज़ी के साथ निकलती हैं, और उनकी भी क्या होती है, कोने की विलास्टी होती है, ठीक है। अब किसी न किसी विलास्टी के साथ वो मूव कर रही है। अब यहाँ पे हमने क्या रखना है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व रखना है। तो ये गैसेस क्या आ रही हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में निकल रही हैं, इसी मोमेंटम को फिर कंजर्व रखने के लिए जो रॉकेट इंजन होता है वो क्या करता है, उन गैसेस की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, वो मूव करता है। गैसेज इस डायरेक्शन में निकलती हैं, इन गैसेज के रिएक्शन के तौर पर जो हमारे पास रॉकेट इंजन है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और फिर इस कंडीशन में हमारे पास जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने देख लिया भी मोमेंटम एक रॉकेट इंजन में भी हमने देखा भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की इम्प्लीमेंटेशन होती है बुलेट एंड द गन में भी, हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इससे रेलिवेंट एक एग्जाम्पल है, पेज नंबर बुक का है 71, एग्जाम्पल नंबर 3.7 है, वो पढ़ी है, वो पेपर में आ सकती है, इंपॉर्टेंट भी है, आप उसको कर सकते हैं, और इसके लिए इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप उसको इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं।